गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आटर ट्वेंटी फोर सेवन माई नेम इज़ उदिशा एंड टुडे आई हैव वेरी वेरी स्पेशल सेशन ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स एवरीबडी दैट आई एवर इंटरेक्ट विद एज एन इंग्लिश फैकल्टी और एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हैज एवर कम अप विद वन पर्टिकुलर इशू वेर इन दट टेल मी दट मैम आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रेंशन कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आज तक हम जितने भी स्टूडेंट्स से मिले हैं उन्होंने ये पता चला है कि मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं तो उन्होंने सबसे पहला मसला जो मेरे सामने रखा है दोस्तों वो रहा है कि भाई मैम हमको तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है हमें इंग्लिश uh, मतलब आती है पर हम आरसी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इंग्लिश तो आती है देखिए कहते हैं कि हम रीड कर लेते हैं हम अपने तरफ से सोचें तो हम समझ भी लेते हैं तो यू you नो know, कहने वाली बातें जो हैं स्टूडेंट्स की रहती हैं अलग अलग तरीके से बट देखिए अब अगर वो हमारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न है तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करना हमारा काम है जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ फुल प्रॉपर रीडिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब सो ये जो आपका सवा आठ का टाइम रहेगा इसी टाइम पर हम डेली छोटे 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 पैसेजेस को आज से शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सी आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली किसी भी काम को करने में एक दिन के अंदर सेटिस्फैक्शन सक्सेस या कोई भी सफलता नहीं मिलती है तो हमें उस पर लगे रहना होता है हम छोटे स्टेप्स लेंगे ग्रेजुअल स्टेप्स लेंगे और इवेंचुअली जा के कंफर्टेबली आर को कैसे सॉल्व करना है ये बात समझ पाएंगे ठीक है आर का बैच स्टार्ट करिए पेड बिल्कुल आकाश जी आपकी हम इस इंटरेस्ट को ज़रूर पहले एक बार एवेल्युएट कर लें भाई क्योंकि आ, क्लेम करना और बातें करना तो सबकी आदत होती है देखते हैं कितना एक्चुअल इंटरेस्ट है लोगों का आर में फिर उसके बाद प्लान करेंगे आप लोगों के लिए अगर ये आपकी शाम की क्लास ये दस से पंद्रह मिनट का सेशन होगा जहाँ पर हम डेली छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स पर जो है काम किया करेंगे आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए ठीक है तो सबसे पहले एक बार उम्मीद है कि आप लोग सेशन को जो है शेयर जरूर कर देंगे सभी लोग अब यहाँ पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीधे बात करते हैं कि आप लोगों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या रीडिंग को आसान बनाने के लिए मेरा क्या प्लान है और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या सजेशन हैं ठीक है नंबर वन जब भी आप रीड कर रहे होते हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज पे ध्यान देना है पिक एन आर्टिकल ऑफ योर इंटरेस्ट पिक एन आर्टिकल ऑफ योर इंटरेस्ट अगर आप जिंदगी में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है आपकी दिलचस्पी नहीं है बिलीव मी एंड आई गारंटी इट टू यू आप उस काम में वो सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं जो कि आप उस काम में कर लेंगे जहाँ पर आपका मन लगता है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है सो so, प्लीज़ आप सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करें डोंट कम अंडर एनी काइंड ऑफ प्योर प्रेशर कि देखो आ, फलाने ने बोला है कि ये वाली वेबसाइट पर जाओ किसी ने बोला है ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है आप सोचिए कि भैया हमें क्या पसंद है हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है चलो नहीं है हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बिल्कुल हो सकता है हो हमें इकोनॉमी में कोई लेना देना है इंटरेस्ट है हम आजकल नया नया हमने इन्वेस्टमेंट वग़ैरह शुरू किया है या डैड इस फील्ड में है तो थोड़ा बहुत हमें भी पता होना चाहिए उस कई आप अक्के अलग अलग रीजंस होते हैं आप किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट अपना डेवलप करते हैं इसके साथ साथ यार आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्या कारण है किस तरीके का एक क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है इन्वामेंट की बात कर लेते हैं तो शायद आपका इंटरेस्ट वहाँ पर हो शायद आपका इंटरेस्ट हो किसी तरीके की मिस्ट्री में शायद आपको शौक़ हो कि आप रीड करें रोमांस के बारे में या फिर आपका इंटरेस्ट हो सकता है लेटस से सम काइंड ऑफ साएफ़ ठीक है तो आप अपना जॉनरा पहचानिए आपको क्या पढ़ना पसंद है स्टेप नंबर वन आज दे रही हूं आपका जो आज से सवा आठ का टाइम रहेगा उसको आप बुक कर लीजिए दस मिनट पंद्रह मिनट का टाइम लिया करूंगी एक छोटा सा पैसेज अपने साथ पढ़ेंगे और फिर वहां से हमारी हमारी आरसी की जो जर्नी होगी वो हम शुरू करेंगे इस सेशन के थ्रू आप अपना आर आप अपना एस आप अपना आई और आप अपना आने वाला सभी बैंक का एग्जाम टारगेट कर सकते हैं मेरे यानी उदिशा के साथ दूसरी चीज़ की जब हम बात करेंगे तो आप कुछ भी रीड करें चाहे आपका उसमें कितना भी इंटरेस्ट हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज के बाद आप जब भी रीड करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा एनोटेट करना पड़ेगा एनोटेट का मतलब समझते हैं हाईलाइट करना पड़ेगा उस चीज़ को आ, कोई अच्छा सा मार्कर रख लिया है कोई अच्छा सा लेटर से पेन रख लिया है पेंसिल रख लिया है अगर आपके पास आप कहते हो हम तो लैपटॉप पे रीड करते हैं कोई मसला ही नहीं है तो एक काम करो वो जितना तुम्हारा डॉक्यूमेंट है ना जो आर्टिकल है उसको कॉपी करो वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लो ठीक है वहाँ पे तो कर सकते हो ना एनोटेट हाईलाइटर कर सकते हो वहाँ पे तो वो कर लेना अब एनोटेट किसको करना है जो इंफॉर्मेशन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है द इंफॉर्मेशन दैट यू फील कि ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप लोगों को वहां पर उस चीज को एनोटेट करना पड़ेगा ठीक है नंबर टू की अगर हम बात करते हैं तो यार अपने कंटेंट को ना पर्सनलाइज करना सीखो पर्सनलाइज द कंटेंट पर्सनलाइज करने का मतलब क्या होता है यानी कि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो उसे जरा अपनी लाइफ से जोड़िए आप वहां पर सोचिए कि अगर तुम किसी पोलिटिकल सिचुएशन में हो लेटर से पोलिटिकल राइटअप के बीच में हो तो वहां पर सोचो कि भैया उसका तुम्हारे जीवन पर डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है

लगेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज से बढ़ जाएगी हमेशा स्टूडेंट्स से मैं कहती आई हूं कि जब भी तुम एज अ बिगिनर ये कहते हो ना कि मैम हमको तो पढ़ना आता है हमको तो समझ में आता है पर हम आरसी नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि आप उस चीज में कंफर्टेबल नहीं हैं गुणा भाग सबट्रैक्शन और एडिशन ये सब हमें भी आता है लेकिन हम मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है तो इसलिए हम कभी मैथ्स की किताब नहीं खोलते हैं मजबूरी हो जाएगी तो भैया करेंगे दो सवाल चार सवाल उसमें भी हम लगाएंगे है ना तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा जरूरी फैक्ट क्या हुआ कि आपको अपना कंफर्ट बढ़ाना है इस फील्ड के अंदर ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस तो आप लोगों को एज मतलब आप इसे एज अ होमवर्क ले लें आज से लेकर आपके अगले तीन दिन के लिए आप लोगों को कुछ कॉमन थीम्स जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आती हैं उनका एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि, कि किस तरीके के पैसेजेस एग्जाम में आते हैं देखो एस और आई में होता है कि कई बार हम लोग को स्टोरी बेस्ड पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं एस बी आई आई बी पी एस आर बी आई असिस्िस्टेंट के अंदर भी ठीक है ई एस आई सी एस एस ओ के अंदर भी ई एस आई सी जो अभी एक और हुआ था उसके अंदर भी ठीक है यूडीसी वाला तो आप लोगों को इन सब के अंदर क्या देखने को मिल जाता है स्टोरी बेस्ड पॉसिबिलिटी होती है और फिर एसबीआई के अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एनवायरमेंटल के ऊपर जो है आ, ओके okay. एनवायरमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं आप इकॉनमी uh, के ऊपर बेस्ड चीजें जब पढ़ेंगे तो आप सीधे आरबीआई ग्रेड बी लेवल की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर यही चीजें देखने को मिलती हैं ठीक है आरबीआई की स्कीम के बारे में बात हो रही है देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है किसी पर्टिकुलर वायरस का अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा है इसकी बात हो रही है तो पहली चीज़ तो आप अभी जो शुरुआती तौर पर काम करने वाले हैं मेरे साथ जुड़ करके वो यही होगा एक दो चीज़ें कि पहले आपको उसके साथ कंफर्ट होना है दूसरा आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहचानना सीखना है तीसरा आपको कॉमन थीम्स के साथ दोस्ती करनी है हाँ कि यार बैंक एग्जाम में ऐसे ऐसे चीजें पूछी जाती हैं ठीक है तो ये एक जनरल आप आप कर लो इतना काम आपका है हम क्या कराएंगे आप लोगों को इस uh, सेशन के अंदर जो मिनट का हुआ करेगा आप ये छोटा सा पैसेज देख रहे हैं इसका सोर्स आपके लिए क्लियर कर देते हैं इसको हमने उठाया है द इकोनॉमिस्ट करके आप लोगों का एक ऑनलाइन पोर्टल uh, होता है जहां पर आपको देश दुनिया की खबर देखने को मिलती है चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो पॉलिटिक्स uh, uh, से रिलेटेड हो इकोनॉमी से रिलेटेड हो जनरल खबरें हो जाएं और मुझे पर्टिकुलरली पॉइंट पॉइंट ऑफ 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 व्यू व्यू से से अवेयरनेस एंड फ्लो यानी कि भैया अपना बात रखने का जो एक तरीका होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर सोर्स बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है एंड इफ यू रकल एसपिर आई थिंक दिस दिस काइंड ऑफ रीडिंग एक्सरसाइज बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल ठीक है अच्छा यहां पर देखते हैं छोटा सा आर्टिकल है मैं ज्यादा कुछ इसमें आज, आज आपको नहीं सिखा रही हूं देखिए इसके लिए ना मैंने क्वेश्चंस भी नहीं रखे हैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूं कि ये छोटू सा पैसेज है बट जब आप कहते हैं कि हम रीड करते हैं और हमको समझ आता है हम बता दें कि बिना गूगल के डिक्शनरी खोले आप मुझे इसका सटीक मीनिंग नहीं दे सकते हैं लिटरली दिस वॉज दी ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ठीक है ओपनिंग पैराग्राफ था एक आर्टिकल का और आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं कोई चैलेंज नहीं है सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूं कि आप अच्छी चीजें जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको एक दो चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी चाहिए होती है कि हम ये रीड क्यों कर रहे हैं इसके अंदर से हम क्या चाह रहे हैं हमारा इससे इस क्या रिलेशन है ये दो तीन चीजें आपको क्लैरिटी अपने अंदर लेकर के रखनी चाहिए शुरू करते हैं जब हम रीड करना तो सबसे पहले जो हमारा दिमाग को पता होना चाहिए और जो हमें ढूंढना चाहिए दैट इज़ व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द गिवन आर्टिकल इस पैसेज के अंदर हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है दोस्तों जितने लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर एट फिफ्टीन आपकी रीडिंग की क्लासेस हम डेली शुरू करेंगे आपके सारे मेन्स के जो एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं ना उन सबको ध्यान में रखते हो तो बी रेगुलर हो सकता है टाइम हम थोड़ा सा एट करें क्योंकि सौरभ सर की आठ बजे होती है आई माईटेक टू एट फोर्टी फाइव बट अभी के लिए आप यहां पर हैं। ठीक है अच्छा वकील साहब वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आगे ओमिक्रॉन मूव्स फास्ट ये जो आपका पहला स्टेटमेंट होता है जो आपका पहला स्टेटमेंट होता है क्वाइट लिटरली वो आपके सामने आपके पैराग्राफ की थीम को खोल के रख देता है कि तुम बात किस विषय में करने वाले हो ओमिक्रॉन बहुत तेज चलता है बहुत तेज़ फैलता है ओमिक्रॉन क्या है कोरोना का एक वेरिएंट है एक टाइप का कोरोना ही है आगे देखो दैट That क्या है हर एक चीज को जोड़ना शुरू करो बेटा हर एक चीज जो तुम्हें आती है जो नहीं आती है हर चीज में दिमाग लगाओ हम कहते हैं तुम छह लाइन पढ़ो पर उसमें अपनी पूरी शिद्दत लगा दो उसमें देखो कि यार मैं कितना अच्छा हूं हाउ गुड एम आई एट इट यहां देखो ओमिक्रॉन मूव फास्ट दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंटेन इवन फॉर चाइना दैट मेक्स इट डिफिकल्ट वॉट मेक्स इट डिफिकल्ट दिस ओमिक्रॉन बहुत तेज चलता है दैट ये चीज मेक्स इट डिफिकल्ट इसको कठिन बनाती है टू कंटेन किसी चीज़ को कंटेन करना यानी उसको कंट्रोल कर पाना उसको अपने कब्जे में ले पाना इवन फॉर चाइना चाइना के लिए भी विच ट्राइज टू स्टॉम्प प्रॉम्पली ऑन एनी आउटब्रेक विच यहाँ प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है चाइना के लिए चाइना विच जो कि ट्राइज टू कोशिश करता है स्टोम्प वर्ड का मतलब क्या होगा चलो तुम्हें ये नहीं आता तुमने यहां लिख लिया प्रोम्पटली का मतलब क्या होता है यार चलो प्रोम्पटली भी यहां लिख लेते हैं इस तरह से आप अपनी अच्छी वाली वैब को साइड में लिखते जाओ पहले दिन आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सारी वो कैब आनी चाहिए नहीं आती ना कोई मसला नहीं है लिखते चलो साइड में बस अब हम बता दें स्टोम्प का मतलब होता है धम धम करके चलना या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में देखो यहां पर ये तो नहीं कहेंगे कि चाइना विच ट्राइज़ टू स्टॉम्प प्रॉम्प्टली इसका मतलब कि चाइना जो की कोशिश करता है धम धम करके चलने की नहीं समझना जो कि कोशिश करता है पैरों से मसल देने की कुचल देने की प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली ठीक है इमीडिएटली इमीडिएटली और प्रॉम्प्टली का क्या मतलब हमने आपको अच्छा प्रॉम्प्टली का मतलब तो यहां बता दिया है एक सेकेंड हाँ, का मतलब क्या बताया हमने पैरों से कुचल देना या फिर टू वॉक स्टेप्स तो बेटा कई बार ना जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वर्ड का उसको थोड़ा तोड़ो मर, तो, तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है पैसेज के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना जो कि कोशिश करता है किसी भी चीज को पैरों से कुचल देने की एनी आउटब्रेक आउटब्रेक का मतलब क्या होता है अचानक से किसी चीज का ओरिजिनेट होना सामने आना ठीक है शुरुआत हो जाना अ क्लस्टर ऑफ इंफेक्शन क्लस्टर क्या होता है आप लोग को पहले से पता होना चाहिए नहीं पता तो कोई बात नहीं क्लस्टर का मतलब हो जाता है समूह ग्रुप ठीक है जब एक जैसी व्यक्तियों का इन्फेक्शन का वस्तुओं का जब एक झुंड समूह होता है तो हम उसे क्लस्टर कहते हैं यूजुअली अनऑर्गेनाइज एक गुच्छा टाइप का कोई ये नहीं कि बराबर के खांचों में बटा हुआ है पाँच यहाँ पाँच यहाँ ना एक समूह टाइप का अनऑर्गेनाइज टाइप का ठीक है अब यहाँ पर कह रहे हैं अ क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन इन शंघाई फॉर एग्जाम्पल द सिटीज रेप्यूटेशन फॉर डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ अब देखो यहाँ पर ओमेक्रॉन मूव्स फास्ट ओमेक्रॉन तेज फैलता है दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंटेन जो कि उसे कंटेन करने में काबू में पाने में टफ बना देता है इवन फॉर चाइना चाइना तक के लिए इवन फॉर हम कब यूज़ करते हैं जब हम ये नहीं बताते हैं कि भैया अरे दिस इज वेरी एक्सपेंसिव इवन फॉर अंबानी ये तो बहुत महंगा है अंबानी के लिए भी तो हम कहते नहीं फॉर तो हम बता रहे होते हैं कि भैया जो सबसे बड़ा है ना वो भी ये काम नहीं कर पा रहा है समझ रहे हो ना तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि अ क्लस्टर ऑफ इंफेक्शन इन शंघाई तो इन्फेक्शन का एक पूरा समूह यानी वायरसेस का एक पूरा समूह शंघाई में फॉर एग्जाम्पल

यहां से लेके यहां तक बस ये समझाया गया है कि ओमिक्रॉन को चाइना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस तरह से आपको अपने पैसेज को पढ़ना है कि आप देखिए कि वो कितना भी बड़ा 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 लिख दें वो बेसिकली एक ही मुद्दे पर घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के बात कर रहे होते हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डरावना कुछ नहीं होता है बात तो वो वही कर रहे हैं मान लो इसमें ऊपर वाली लाइन समझ गए नीचे वाली नहीं समझ में आई तो दोबारा पढ़ लो कॉन्टेक्स्ट देखो क्या कहना चाह रहे हैं अब जैसे तुमको कौन कौन सा वर्ड आता होगा ये शैटरिंग दिटीज रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन से आप लोग जानते हैं ना इमेज कि मतलब जो शहर की रेप्यूटेशन है ना क्या रेप्यूटेशन है उनकी डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ द पैंडमिक डेफ्ट का मतलब क्या होता है कुशल स्किलफुल हैंडलिंग उन्होंने पैंडेमिक को इतना बड़ा पैंडेमिक जिसमें कि पूरे विश्व ने बहुत ज्यादा भुगतान किया है भैया भुगता है बहुत ज्यादा हर तरीके से उन्होंने पेनल्टी दी है यहाँ पे तो उसकी भी इन्होंने बहुत ही कुशल हैंडलिंग की थी उनकी रेप्यूटेशन थी बड़ी कुशल हैंडलिंग की जिसको शैटर कर दिया क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन्स ने एक इन्फेक्शन के समूह ने ठीक है फिर कह रहे हैं फोर्सिंग द गवर्नमेंट उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया टू एम्पोज अ स्टैगर्ड लॉकडाउन फोर्सिंग द गवर्नमेंट सरकार को मजबूर करते हुए क्या करवाया कि वो एक staggered lockdown अच्छा अब staggered word जो होता है ना इसके दो meanings होते हैं हैं अगर हम कहते हैं, I was staggered to see you. Staggered का मतलब वेरी सरप्राइज बहुत ज्यादा हो जाना लेकिन क्या यहां पर ये यह कह रहे हैं? Surprised lockdown? नहीं staggered का मतलब होता है प्लैंड इन सच दैट नथिंग टाइम यानी एवरीथिंग हैपेंस आफ्टर वन आफ्टर अनदर यानी कि चीजों को इस तरह से प्लान करना कि वो सब एक साथ ना होने लगे एक के बाद एक के बाद एक होते जाएं तो भैया उनको उन्होंने फोर्स कर दिया कि सरकार ने पहले एक हफ्ते का फिर दस दिन का फिर बारह दिन का पंद्रह दिन का लॉकडाउन लगाया ऑफ अनसर्टिन ड्यूरेशन मतलब सरकार भी क्लियर नहीं थी कि कितने दिन हमको यहाँ पे ये यह लगा के चलना पड़ेगा फॉर विच इट सीम्स सरप्राइजिंगली इल प्रिपेयर्ड और इस लॉकडाउन के लिए मतलब इस पूरी तैयारी के पीछे जो इनकी सरकार है ये इट किसके लिए यूज कर रहे हैं सरकार के लिए इट सीम्स सीम्स का मतलब क्या होता है लगता है लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है इट सीम्स समथिंग इज़ नॉट राइट सीम्स का मतलब क्या हो जाता है लगना तो यहाँ वही कह रहे हैं फॉर विच इट सीम्स सरप्राइजिंगली यानी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि चाइना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ठीक है डेफ्थ का मतलब होता है कुशल Skilled. आगे देखिए, की जो speed है ना जिससे तेजी से फैल रहा है उसका एक और मतलब ये निकल के आ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी का क्या भविष्य होने वाला है वो क्लियर नहीं है इट मीन्स दैट चाइनाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आर अन हार्ड टू ट्रैक ओवरऑल मुद्दा यहां पर क्या निकल के आया आपके सामने दैट चाइना इज अनएबल टू कंटेन ओमिक्रॉन ड्यू टू इट्स फास्ट एबिलिटी ठीक है ठीक है सो so, यहाँ पर ये तो एक बहुत हाई लेवल का आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था सारे ऐसे नहीं आते हैं आपको तो स्टोरी बेस्ड भी आ जाता है लेकिन आपको बता दें कि जब आप किसी चीज के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओगे सोचने लगोगे उसके बारे में कि यार मेरा इससे क्या लेना देना है अच्छा मुझे चाइना के बारे में क्या पता है इसको थोड़ा कहानी के जैसे पढ़ो मजा तब आता है तो यही सब हमें करना है धीरे 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 आज तो बस एक एग्जाम्पल था हमने खाली रीड करके दिखाया हाउ टू रीड तो ये सब कुछ आपको सिखाएंगे आप अपना जो है ना एक बार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब कर लीजिए कोशिश करेंगे कि 8:15 पे ही लगाएं क्लास वैसे सॉल्व सर की क्लास भी होती है रीजनिंग की तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो हम शायद से इसको 8:45 कर लेंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि यहां भी कर लें सो so, जो भी टाइम रहेगा वो ऐसा रहेगा कि बच्चों को कहीं कोई परेशानी ना हो ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हैं यहाँ पर बस दो चीजें आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि एक जब आप कोई भी बैंक एग्जाम देने जाते हो या कोई भी कॉम्पिटिशन देने जाते हो प्लीज़ अपना अपना स्टैंडर्ड एक बार चेक किया करो कि क्या मैं इसके लायक हूँ नहीं हूं तो मैं कौन से लेवल पे हूं क्या मैं बिल्कुल शुरुआती लेवल का बिगिनर हूं या मैं नहीं मुझे थोड़ा बहुत आता है एकदम मुझे कमी नहीं है मतलब थोड़ा बहुत आता है तो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं और अगर नहीं तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक ठाक नॉलेज है मेरे पास मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है नॉलेज दैट तो फिर आप आ जाते हैं एडवांस लेवल में तो अपनी कैटेगरी देखो झूठ मत बोलना कभी यार मेरे सारे दोस्त एडवांस लेवल में है मैं कैसे बिगिनर हो सकता हूँ इस तरह से नहीं सोचना कोई बात नहीं आज बिगिनर हो लेकिन बिगिनर से इंटरमीडिएट पे पहुंचो इंटरमीडिएट से एडवांस पे पहुंचो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपनी असलियत को पहचानना ठीक है जितने स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ हैं अगर आपको मेरे किसी भी क्लास में एडमिशन लेना है मेरे से पढ़ना है आने वाले समय में जो मेरे पेड क्लासेस आएंगे उसमें एडमिशन लेना है या फिर मान लीजिए आप एस बी आई क्लर्क का अपकमिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो या ई एस आई सी एस एस ओ में ई एस आई सी यू डी सी एम टी एस आर बी आई असिस्टेंट मेन्स कोई सा भी बैच चाहिए तो आप उनको अलग से भी ले सकते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड लगाना होगा वाई वन सिक्स नाइन या फिर आप अपना बैंक महापैक ले लेंगे तो आपको समझिए कि अगर आपने छ महीने के लिए वैलिडिटी पे इसको खरीद लिया तो आने वाले छः महीने में आपके जितने भी लाइव क्लासेस होंगे जितनी टेस्ट सीरीज होगी जितनी तुम्हारी ये होगी क्या कहते हैं ई बुक्स वगैरह वो सब आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी सिक्स मंथ्स के लिए अगर खरीदोगे तो छः महीने तक मिलेगी और अगर आप ट्वेल्व मंथ्स के लिए खरीदोगे तो आपको ट्वेल्व मंथ्स के लिए मिल जाएगी ठीक है तो ये हो आपका सिंपल सा सेशन आज का कल फिर मिलेंगे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर बेहतर होगा और और आप लोगों के के लिए हम लेकर आएंगे सेशन को पहले आरसी सॉल्व करते हैं बेटा उसके बाद पैर पे भी जाएंगे लेकिन कल बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर के आना मेरे साथ पढ़ना भी है और मेरे साथ आगे बढ़ना भी है दैट्स द स्पिरिट आपके लिए कुछ भी कोशिश करेंगे कि ग्रामर तो सात बजे पढ़ाते ही हैं शाम को आठ साढ़े आठ पे एक बार रीडिंग पे भी काम कर ली जाए है ना तो कर लिया जाए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अलार्म लगा लो कल फिर मिलेंगे इस समय पर थैंक यू सो मच कोड आपका वाई वन सिक्स नाइन है एडमिशन लीजिए मिलते हैं आपसे कल बाय गाइज़ ऑल द बेस्ट